नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र चौधरी और इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। वक्त हो चला है खबरों का, तो खबरों की तरफ रुक कर लेते हैं। लखनऊ के योजना भवन में चल रही सीएम की बैठक खत्म, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे थे बड़ी बैठक। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर बैठक चल रही थी और वो खत्म हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे थे बैठक। योजना भवन में सीएम की बैठक खत्म हो चुकी है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य, सीएस मनोज कुमार सिंह भी मौजूद रहे बैठक में। वहीं यूपी सरकार के सभी मंत्री और बड़े अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो योजना भवन में चल रही सीएम की बैठक खत्म हो चुकी है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य, सीएस मनोज कुमार सिंह के अलावा कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। तो यूपी सरकार के सभी मंत्री और बड़े अधिकारी बैठक में मौजूद रहे, और बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है वो भी निकलकर सामने आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पाठक जी, योजना भवन में सीएम की बैठक चल रही थी और बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है, तो आखिर बैठक में किन बातों को लेकर चर्चा हुई है? योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बैठक की है, उसका फोकस है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन तक पहुँचाने का। इसको लेकर के सभी अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक की है। और अगर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया उत्तर प्रदेश, तो ये देश का सबसे विकसित प्रदेश बन जाएगा उत्तर प्रदेश। और अर्थव्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश अभी दूसरे नंबर का प्रदेश चल रहा है अपने देश में। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो लगातार प्रयास हो रहे हैं वो है 1 मिलियन इकोनॉमी तक उत्तर प्रदेश को पहुँचाने का। बिल्कुल अनिल जी, इकोनॉमी के मामले में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की जो मुहिम चल रही है, इसको लेकर काफी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और आपने कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी की मौजूदगी में जिस तरह से बड़े बड़े प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, पास किए जा रहे हैं, तो उनको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि अभी अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें तो इधर भी जेवर एयरपोर्ट, लखनऊ में और गोरखपुर में भी कई तरह के बड़े बड़े प्रस्ताव योगी सरकार पास कर चुकी है। देखिए, आज से 7 साल पहले जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी 16 लाख करोड़ की थी, लेकिन अब ये बढ़कर के 25 लाख करोड़ से ऊपर जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल और कारपोरेशन के क्षेत्र में काम बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है और इनकम बढ़ी है, तो उससे ये लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुँचाने। बिल्कुल आया है, डाटा आया है। हाँ। ये आया है कि पिछले 1 साल में उत्तर प्रदेश में 62 करोड़ पर्यटक आए हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश का जो डाटा है वो लक्ष्य ही नहीं है, बल्कि डाटा भी मेल खा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लक्ष्य के साथ। डाटा भी चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल पाठक जी, क्योंकि अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से चर्चाएं चली थी कि उत्तर प्रदेश की जनता को योगी जी की राशन और शासन की जो नीति है वो काफी ज्यादा पसंद आई, उसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी। अब उसके बाद से जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं अर्थव्यवस्था के लिए, जो उत्तर प्रदेश को मजबूती यहाँ पर दी जा रही है, उसको लेकर आज कई बड़े अधिकारी डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे, तो और क्या कुछ चर्चाएं चल रही है इस बैठक के अलावा? देखिए, इस बैठक में सबसे बड़ा अच्छा लक्ष्य है योगी सरकार का, वो ये है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना देना, प्रति व्यक्ति की इनकम बढ़ाने का जो डाटा है, डाटा के हिसाब से ये कहता है कि 7 सालों में उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति की इनकम जो है वो दोगुनी हो चुकी है। जो हमारी इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो 25 लाख करोड़ से ऊपर जा चुकी है। और जो लक्ष्य इसको दिया गया है 1 साल बाद का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो दिया है वो 32 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है। और ये लक्ष्य रखा है इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में काफी विकास का जो है वो खाका तैयार किया है मुख्यमंत्री। बिल्कुल पाठक जी, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर, नोएडा, कई ऐसी जगह हैं जहां पर औद्योगिक क्षेत्र को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन अगर हम कृषि विभाग की बात करें तो कृषि को लेकर किन किन क्षेत्रों में और ज्यादा बढ़ावा देने की सोच रही है योगी सरकार?
देखिए कृषि के क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार किसानों को जो है वो उत्तम बीज और उर्वरक और समय समय पर जो जागरूकता है कैसे वैज्ञानिक खेती की जाए इसको लेकर के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन्नतशील बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिससे किसानों की उपज बढ़ रही है, दोगुना करीब लागत भी बढ़ रही है लेकिन जहाँ उपज है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है जिससे किसानों की इनकम भी बढ़ी है, जो समर्थन मूल्य भी विभिन्न चाहे धान हो या गेहूं हो वो समय समय पर सरकार की तरफ से समर्थन मूल्य पर खरीद भी हो रही है और किसानों की उन्नति के लिए प्रदेश सरकार हर स्तर पर प्रयास भी कर रही है। चलिए अनिल पाठक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जो आज बैठक चल रही है उसको लेकर चर्चाएं लगातार जारी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अयोध्या से है, पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ का आरोप, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं अवधेश प्रसाद। तो बाबा गोरखनाथ ने यहां पर एक बड़ा आरोप लगाया है कि अवधेश प्रसाद जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। सपा मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं करवाना चाहती, सपा को मालूम है वो उपचुनाव हार जाएगी। तो यहाँ पर बाबा गोरखनाथ का एक बड़ा आरोप अवधेश प्रसाद पर यहाँ पर लगा है कि सपा मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं करवाना चाहती है। तो ये जो सियासी राजनीति यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है क्योंकि चुनाव आयोग ने उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया था लेकिन एक सीट बची थी मिल्कीपुर, मिल्कीपुर को लेकर चुनावों का ऐलान नहीं किया था। तो उसी को लेकर जो सियासत गरमाई हुई है अब बयानबाजी का दौर यहाँ पर शुरू हो गया है। अवधेश प्रसाद जहाँ बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे तो वहीं बाबा गोरखनाथ ने आरोप लगाया। अधिवक्तागण जैसे पहुंचे बहस करने के अपने बात रखने के लिए तब तक मैंने देखा एक दर्जन वकील समाजवादी द्वारा अवधेश जी द्वारा भेज दिया गया और इस बात पे बहस होने लगी कि आज का आप पैसे वापस नहीं ले सकते। अभी जो दो दिन पहले छाती पीट रहे थे समाजवादी के लोग कह रहे थे कि भाजपा डर गई है, डर की वजह से चुनाव टाल रही है। अरे भाई ये पूरे देश का पहला मामला इस तरीके से था, किसी को बहुत नॉलेज थी नहीं, उस पर विधिक राय ली गई थी उसमें भी यही निकल के आया था भाई उन्होंने इस्तीफा दे दिया शून्य हो गया। जब हम आज पर्चा वापस लेने गए हमने मुकदमा किया और आपने इस्तीफा दे दिया तो इतने बड़े एक दर्जन वकील भेजने का क्या मतलब है? इससे दिखता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी चुनाव को लेट कराना चाहती है और वो काफी डर गई है, नहीं तो हमारे उच्च पदाधिकारी चुनाव आयोग से उन्होंने बात कर ली थी, उसी डेट पे चुनाव होने की बात हो गई थी, सब कुछ सही चल रहा था। पर जो पेच आज समाजवादी द्वारा फंसाया गया ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा, निंदनीय रहा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे अयोध्या से संवाददाता विनय मिश्रा जुड़ चुके हैं। विनय, जो मिल्कीपुर सीट को लेकर सियासी राजनीति चली हुई है और अब बयानबाजी का भी दौर शुरू हो गया है क्योंकि पहले अवधेश प्रसाद खुद बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी डरी हुई है लेकिन अब जो बाबा गोरखनाथ का बयान आया है और जो वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं अवधेश प्रसाद पर, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस समय जो है चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की थी कि सभी 10 सीटों पर, लेकिन उसमें से एक सीट जो है मिल्कीपुर की घोषणा नहीं की गई। वजह यह है कि बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा के वजह से जो है याचिका एक दायर थी जिसकी वजह से उसकी घोषणा नहीं हो पाई थी। इस मामले की खबर जो है पूर्व विधायक गोरखनाथ को लगती है, शासन प्रशासन में पूरा हड़कंप मचता है तो मुख्यमंत्री तुरंत जो है इनको वहां पर नफा बुलाते हैं, उसके बाद याचिका वापस करने के लिए कहा जाता है और 16 अक्टूबर को उन्होंने जो है याचिका वापस करने के लिए आवेदन किया था और 17 अक्टूबर की डेट लगी थी हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर के। और यहाँ पे कहा जा रहा था कि बीजेपी जो सपा के नेता थे वो आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी डर गई है जिसकी वजह से चुनाव को टालने के लिए इस तरीके का कार्य किया हुआ है, लेकिन वही एक बात जो है 17 अक्टूबर की जो सुनवाई चल रही थी तब बीजेपी के विधायक जो है गोरखनाथ उनका साफ तौर पर आरोप है कि यहाँ पे अवधेश प्रसाद के कई वकील यहाँ पे आ गए हैं विरोध करने लगे याचिका को वापस को लेने के लिए, जिसकी वजह से जो है डेट जो है अगली डेट लगी है वो 15 दिनों के लिए लग गई है। और वहीं पे आज जो है बाबा गोरखनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि बीजेपी चुनाव कराना चाह रही थी लेकिन याचिका वापस नहीं हो जाती, लेकिन जिसमें रोड़ा जो है सपा के वकील वहां पे पहुंच जाते हैं और इस तरीके का जो रीट याचिका दायर थी उसको वापस नहीं ले देते हैं और 15 दिनों के बाद दूसरी डेट लगती है। इस तरीके से जो है आज उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि सपा के जो नेता है उदय प्रसाद वो इसमें जो है दिक्कतें खड़ी की हुई है जिसकी वजह से जो चुनाव जो है आगे बढ़ गया है।
बिल्कुल भी नहीं। और सबसे बड़ी बात निकलकर यही सामने आ रही है, क्योंकि मिल्कीपुर पर बीजेपी पूरी जान जोखिम से उस सीट पर तैयारी कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो सीट हाथ से चली गई और वहां से अवधेश प्रसाद जीत गए और फैजाबाद के सांसद बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोबारा से उस सीट पर पूरी मेहनत कर रही है, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी की तरफ से वहां पर प्रत्याशी का घोषणा हो चुकी है, बीजेपी की तरफ से कैसी तैयारी है? बिल्कुल, आपको बताऊं कि बीजेपी पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी लगी हुई है, इसकी कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है और यहाँ पे कई मंत्रियों का दौरा बराबर लगा रहता है। सर्वे यही चल रहा है कि कौन सा प्रत्याशी उतारा जाए, क्योंकि अभी हार का जो मुंह देखना पड़ा है वो दोबारा यहाँ पे रिपीट ना हो, ये सबसे अहम सीट जो है विधानसभा की जो चुनाव हो रहा है सबसे ज्यादा अहम सीट जो है मिल्कीपुर की मानी जाए, जिसकी वजह से कई मंत्रियों को यहाँ पे लगा दिया गया है और प्रत्याशियों का चयन सही ढंग से हो। और इसमें क्योंकि बीजेपी की भी इज्जत का सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है, क्योंकि वजह है कि अभी हाल ही में जब हैदराबाद का जो चुनाव होता था सभी को उसमें हार हो गई थी और इस तरीके से जो बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी की है और सपा ने अपना प्रत्याशी यहाँ पे घोषित कर दिया है, बसपा ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लेकिन अभी जो है कांग्रेस के भी यहाँ पे मामला चल रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है वो यहाँ पे टूटा हुआ नजर आया, क्योंकि यहाँ पे जो शीर्ष नेता है कांग्रेस को उन्होंने निर्देशित किया है कि यहाँ पे अपनी तैयारी पूरी करें, तमाम ऐसे संभावित प्रत्याशी जो जगह जगह घूम करके जो प्रचार करने लगे हैं इस चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि यहाँ पे चार पार्टियां यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के लिए भी मुश्किल की यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। तो इसी को देखते हुए बिल्कुल भी नहीं। और सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि इस सीट पर बीजेपी हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। दूसरी तरफ दलित वोट बैंक की बात करें अगर हम, तो मायावती भी अब की बार दावेदारी ठोक रही है, चंद्रशेखर आजाद भी ठोक रहे हैं, तो क्या इनके समीकरण से कुछ ना कुछ नुकसान बीजेपी को होगा या समाजवादी पार्टी को हो सकता है? बिल्कुल, जो बसपा और ये चंद्रशेखर की पार्टी आयकर आ जाती है अपनी प्रत्याशी आप उतारती है, फिलहाल बसपा ने चौदह प्रत्याशी उतार ही दिया है, तो इसका नुकसान जो है बीजेपी को होगा, क्योंकि जो उत्तर थे लोग बीजेपी में देते थे, लेकिन इस बार अगर बसपा के भी प्रत्याशी उतरते हैं तो यहाँ पे बीजेपी को भी नुकसान होगा और थोड़ा बहुत सपा का भी नुकसान होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो 57,000 वो पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें जो है बसपा ने हासिल किए थे, इस तरीके से माना जा रहा है कि यहाँ पे भी बीजेपी को नुकसान भारी होगा। बिल्कुल भी नहीं। और जो लोकसभा चुनाव में यहाँ से फैजाबाद से हार हुई थी, क्या उनकी कमियों पर बीजेपी ने किसी तरह की मंत्रणा की है और जो अधिकारी और जो मंत्री वहां पर बीजेपी ने लगाए हुए हैं उनकी किस तरह की मेहनत देखने को मिल रही है? क्योंकि कहा जाता है जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, तो जमीनी स्तर पर वहां किस तरह की तैयारी है? जी बिल्कुल, यहाँ पे इंडिया वाइज ने भी जगह जगह सर्वे किया है और यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे तमाम मंत्री आ रहे हैं। चलिए, मेरे ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, रुक कर लेते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर आ रही है, कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन किया है। मंत्री दिनेश प्रताप के आवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। दिनेश प्रताप के आवास पर NSUI के कार्यकर्ताओं ने मंत्री माफी मांगो के नारे लगाए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान अपने आवास पर मौजूद थे दिनेश प्रताप। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री के आवास के सामने प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। मंत्री दिनेश प्रताप के आवास पर माफी मांगने के पोस्टर लगाए गए हैं कि दिनेश प्रताप माफी मांगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी जुड़ चुके हैं। निखिल, जिस हिसाब से मंत्री के घर के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और माफी मांगो के जो पोस्टर लगाए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह है जिन्होंने एक प्रियंका वाड्रा को लेकर एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था अनंत लड़की लड़ नहीं पाई और भाग ही गई, वहां जहां लड़ना ना पड़े बूढ़ी जो हो गई है, बस बूढ़ी के विवाद से पूरा मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में बात करें तो कांग्रेस के UNSI के कार्यकर्ताओं ने दिनेश प्रताप सिंह के आवास पर उनके जो नेम प्लेट थी उस पर कार्लिक पोत दी और उस पर चोर लिख दिया।
वही लगातार कांग्रेस कह रही है कि दिनेश प्रताप सिंह को माफी मांगनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने प्रियंका गांधी को लेके कहा है, लेकिन लगातार अभी तक दिनेश प्रताप सिंह ने कुछ नहीं बोला है। आज उन्होंने जब उनके आवास पे एक बार फिर प्रदर्शन हुआ उसके बाद उन्होंने 6 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें कहा उन्होंने कि प्रियंका गांधी लगातार कई बार कह चुकी है कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूं और मैंने भी बूढ़ी कह दिया तो इसमें क्या गलत किया। लेकिन कांग्रेस का साफ तौर से कहना है कि बीजेपी का बूढ़ी कहना शब्द कांग्रेस को खटक नहीं रहा है। जी बिल्कुल निखिल, और सबसे बड़ी बात यही है जैसे ही उन्होंने इस बयान को दिया था तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके आवास के सामने उस समय भी दिखाई दिए थे, उन्होंने चोर भी लिख दिया था जैसा अभी आपने बताया, तो इस बात को लेकर बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से किसी बड़े नेता का बयान सामने आया है? जी बिल्कुल, बात करें तो अभी इसमें किसी भी कोई कांग्रेस के बड़े नेता का बयान नहीं आया है, लेकिन नीचे के जितने कार्यकर्ता है उसमें उबाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि मैंने कोई गलत बात नहीं कही है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह का जो ट्वीट हुआ है वो कहीं ना कहीं आग की तरह फैलता हुआ जा रहा है। और कांग्रेस के जितने युवा कार्यकर्ता है वो लगातार सड़कों पर उतरे हुए, आज तीसरा दिन है जो लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। एक दिन पहले उनके उनके होर्डिंग पे पोस्टर पे पोता गया, कल लखनऊ के हजरतगंज जीपीओ पे विरोध प्रदर्शन हुआ, आज उनके आवास पे विरोध प्रदर्शन हुआ। और वहीं उनके जो युवा नेता कांग्रेस के हैं उनसे लगातार जब हमने बातचीत करी तो कह रहे हैं कि हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन आपको बताते चले जिस तरह से यूपी में उपचुनाव है तो कहीं ना कहीं इसकी एक रोटी भी फेंकी जा रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी का एक नारा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उसको भी कहीं ना कहीं दिनेश प्रताप सिंह ने आड़े हाथों लिया कि जब आप लड़की हैं लड़ सकती हैं तो आप वाई नॉट क्यों भाग गई, यूपी से क्यों नहीं चुनाव लड़ रही है। जी और निखिल एक बात और निकलकर सामने आ रही है, जैसा आपने बताया जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं उनकी तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो युवा नेता हैं और युवा कार्यकर्ता हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या ये विरोध प्रदर्शन किसी साजिश के तहत तो नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल, आपको बता दें यूपी में चुनाव होने हैं और उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं सरगर्मियां गर्माती चली जा रही है, इसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। राजनीति का माहौल कहीं ना कहीं यूपी में गरमाया रहे उसको लेकर इनका प्रदर्शन जारी है। हाँ। और कांग्रेस ने साफ तौर से कह दिया है कि हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक दिनेश प्रताप सिंह माफी मांगते नहीं है। जी बिल्कुल निखिल, और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? अभी जैसा बताया आपने कि कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तो कितने लोगों की इस मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई है या अभी पुलिस ने गिरफ्तार करके उनको छोड़ दिया है समझा बुझा कर? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से दिनेश प्रताप सिंह के नेम प्लेट पर काली पोती गई उसमें चोर लिखा गया है उसको लेकर लगातार FIR कर ली गई है और जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उनके खिलाफ गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। बात करें तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी फोर्स लगाई गई थी ढूंढने के लिए, लेकिन अभी किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हो पाई है। चलिए निखिल, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमरोहा में दबंगों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, मामूली बात पर अमरोहा में जमकर पथराव हुआ है, दबंगों ने परिवार पर ईंट और पत्थर बरसाए हैं, पथराव में आधा दर्जन लोग गंभीर घायल हो चुके हैं, वहीं पथराव का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, पुलिस ने 28 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया है। डिडोली कोतवाली क्षेत्र के भावालपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अमरोहा में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर दबंगों ने मामूली सी बात को लेकर पथराव किया है, एक पत्थर बरसाए हैं और इस बात को लेकर अब आगे की क्या कार्रवाई है वो देखने वाले। तो वहीं अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है, इंडिया वॉइस संवाददाता मोहम्मद आसिफ ने सांसद अवधेश प्रसाद से खास बातचीत की है जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सभी सीट पर दर्ज करेगा जीत। सुनिए। चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है, चुनाव की तैयारी सपा और कांग्रेस ने शुरू कर दी। हमारे साथ मौजूद है अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद जी, इनसे बात करते हैं क्या तैयारी है जो है चुनाव को लेकर। ये
उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटें खाली हुई हैं, जिस पर 9 पर चुनाव डिक्लेयर हो गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, या यूं कहिए इंडिया गठबंधन, ने अपने उम्मीदवारों को तय कर लिया है और ये फिलहाल अभी तो 9 सीट पर हो रहा है। 9 सीटें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी। मिल्कीपुर और कटहरी सीट की कमान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ले रखी है और कहा जा रहा है कि दोनों सीटें बीजेपी जीतेगी। जहां तक मिल्कीपुर का सवाल है तो मिल्कीपुर सीट से तो भारतीय जनता पार्टी बहुत दहशत में है, डर गई है और डरने का कारण उसी दिन से शुरू हो गया जिस दिन देवतुल्य मतदाताओं ने अवधेश प्रसाद मने मुझे फैजाबाद की सामान्य सीट जो जनपद अयोध्या में है जीता दिया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी बड़ा दमखम लगा रही थी, पूरी ताकत झोंक दिया था और तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन देवतुल्य जनता ने हमें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार माननीय अखिलेश जी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को बड़े वोटों से जिताकर सारे देश और दुनिया में चर्चा की। उसी में एक मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में यूं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी बाबा 4-5 बार जा चुके, एक दर्जन से ज्यादा मंत्री 2 महीने से लगे हैं, लेकिन सब बेअसर है। जनता तैयार बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का और अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को बहुत अच्छे वोटों से जिताने का, जिससे जिस तरह से अवधेश प्रसाद को फैजाबाद और जिद्दा की सीट सांसद बनकर देश और दुनिया में चर्चा समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश जी की हो रही है, उसी तरह से ये मिल्कीपुर सीट पर हमारा बेटा अजीत प्रसाद जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सर्वसम्मत से राय बांट लेकर के उसको घोषित किया है और बहुत बड़े वोटों से जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हारेगी और इसीलिए चुनाव को टाला गया। जी बिल्कुल, जिस तरह से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का जोश पूरी तरह से आई है और यह दावा है कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी उनके बेटे अजीत प्रसाद जीतेंगे और साथ ही साथ मिल्कीपुर सीट को लेकर कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसको लेकर भी सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि यह सब अड़ंगेबाजी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। वहीं यह भी दावा किया गया कि सपा और कांग्रेस मिलकर सभी सीटें उपचुनाव में जीतेंगी। फिलहाल दावे क्या जो हैं यह कितने सच होते हैं या आने वाला समय बताएगा। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।